हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हां, हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज और थीम आते रहते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, वो थोड़ा पुराना वाला था, अब थोड़ा ये लेटेस्ट वाला आ गया। अप्रैल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करूंगा 2023 का, ठीक है। और अप्रैल का ही एक दो मैंने कह भी चुका था, 7 अप्रैल और शायद 22 अप्रैल वाला वो कह दिया था। उसके बाद भी कुछ कुछ बचा है, अगर फिर कभी कुछ रहेगा तो बताते रहूंगा। तो ये वाला सिर्फ अप्रैल का कुछ खास खास दिन के बारे में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट डेज और उसका थीम का बारे में। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। और इसका थीम क्या था 2023 का, विकसित भारत। और ये क्यों मनाया जाता है, ये जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी तारीख में सबसे पहला बार जो IAS का कैडर था, प्रोबेशनरी IAS था, उन लोग को संबोधन करते हैं, बहुत ही फेमस संबोधन था, उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है, इंडिया का फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे या फिर वर्ल्ड बुक डे भी कहा जाता है इसको, ये कब होता है 23 अप्रैल को होता है और यूनेस्को का तरफ से ये मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम था क्या था, थीम था इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ओके, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। और यूनेस्को इसी दिन में इसी टाइम में वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर भी घोषणा करता है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर 2023 कौन बना, आकरा, ACRA, जो कि घाना का कैपिटल है, एक अफ्रीकन कंट्री है घाना। ये अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, मैं अगर कोई भी चीज को बताऊंगा अच्छा से याद रखिएगा तो जरूर अच्छा से याद रखिएगा। अच्छा, और एक डे होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था इस बार का, वुमेन एंड IP, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ओके। अच्छा, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को होता है, इसका थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, आयुष्मान भारत डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। और ये आयुष्मान भारत जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम किसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चढ़ा के जिसको बताया जाता है, जिससे नाम कमाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एरिया को रीच करता है, ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में हर पब्लिक का तक पहुंचता है, उसको फ्लैगशिप स्कीम बोला जाता है। तो ये 2018 में चालू किया गया था, तारीख तो पता ही है 30 अप्रैल अभी का। और इस बार 2023 का थीम क्या था, स्टे हेल्दी लिव हेल्दी, ओके। अच्छा, वर्ल्ड वेटरिनरी डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वेटरिनरी डॉक्टर किसको कहा जाता है, जानवर का डॉक्टर को कहा जाता है, आपको पता ही होगा। अच्छा, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, ओके, ये तलंबा थीम था। अच्छा, अब ये जो आ रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज डे, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का भी जन्मदिन होता है, आपको पता ही है। तो इस बार का जो थीम था, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशियंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, अच्छा ठीक है। और ये कब चालू किया गया था, एक्चुअली 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 में ये पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेशन मिला था। इससे पहले तो हमेशा से चलता आ रहा था बहुत टाइम में, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिडेशन मिलता है और 73rd अमेंडमेंट का तहत इसको जो 11th नंबर का जो शेड्यूल्ड है उसमें हिस्सा लिया, इसको शामिल किया जाता है। और 12 शेड्यूल में कौन है, 12 शेड्यूल में है म्यूनिसिपल वाला मामला है, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।